हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेलरिंग गुरुजी। आज के इस वीडियो में देखेंगे सिंपल सलवार की कटिंग। सिंपल सलवार का मतलब क्या, जिसमें किसी भी तरह की कली नहीं है, मियानी लगा करके इस सलवार को बनाना है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। मेजरमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें लंबाई है 38 इंच का, गोलाई 13 इंच है पैर की गोलाई, हिप 35 इंच का है और आसन 13.5 इंच का। केवल ये 4 नाप आपको लगेंगे। जो लोग सिलाई की शुरुआत कर रहे हैं, सूट कटिंग जानना चाहते हैं, आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सलवार से स्टार्ट करना चाहिए, बहुत ही इजी पड़ता है। सबसे पहले बात आती है कि इसके लिए कपड़ा कितना चाहिए। तो जिस मेजरमेंट का मैं बना रहा हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर का एक कपड़ा लिया हुआ है। अब इस 2.25 मीटर के कपड़े को सीधा सीधा आपको 4 फोल्ड में बिछाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कपड़े को बिछाने का तरीका मुझे बताना पड़ेगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटे से कपड़े पर बता रहा हूँ किस तरीके से मैंने इसको बिछाया है। तो ये देखिए, ये अभी एक सिंगल पीस है, ठीक। इसको हम किए पहले डबल फोल्ड, ये इस तरह से। अब ये डबल फोल्ड हो गया, इसके बाद क्या करना है, ये बीचों बीच से इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लेना है। ये बिछा लिए। यही सिंपल सलवार कटिंग करने के लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है। इसी प्रकार से आप कपड़े को बिछाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक स्केल लेंगे और स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा निशान यहाँ पर लगाना है। चारों फोल्ड में कपड़े आने चाहिए, इस तरह से निशान लगाना, क्योंकि नीचे कभी छोटा रह जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। अब ये निशान लगाने के बाद सबसे पहले लंबाई। तो लंबाई के लिए ध्यान देना, हमें बनाना है 38 इंच तैयार लंबाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमर बेल्ट का 5 इंच पहले छोड़ देना है। नाप लेते वक्त कमर बेल्ट का 5 इंच छोड़ देंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर आकर के 38 इंच पर निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। अब ये 38 का निशान हो गया, इस निशान को स्केल से थोड़ा आगे बढ़ा लेना है, ये ऐसे। और फिर यहीं पर गोलाई नापना है। तो पैर की गोलाई मैंने बताया कि ये है 13 इंच, इसका हम क्या करेंगे, हाफ़ करेंगे, तो ये 6.5 का निशान। अब मार्जिन आप जितना चाहो यहाँ पर दो, 1.5 इंच का, 1.25 इंच का, अपने हिसाब से यहाँ पर मार्जिन दे सकते हो। ये सिलाई मार्जिन है। जो मैंने नाप बताया फ्रेंड्स, ये कंप्लीट एक बॉडी मेजरमेंट है, बॉडी से लिया गया नाप है। वैसे सलवार में फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने बॉडी से नाप लिया है कि कपड़े से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, गोलाई नापी, ठीक है, ये देखो 6.5, और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। अब आते हैं ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड में हमें क्या नापना है, इधर ऊपर की साइड में एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो हिस्सा है इसको आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पर आसन लोगे, जितना ज़्यादा हो सके कॉर्नर से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि उधर भी जो 4 फोल्ड हैं हमारे कपड़े के, चारों फोल्ड आने चाहिए। ऐसा ना हो कि नीचे वाले पल्ले में कपड़ा कम हो, तो ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। एक बार चेक कर लेना 4 फोल्ड में कपड़े बराबर हैं कि नहीं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 0.5 इंच 1 इंच अंदर से ही मेज़रमेंट लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेप को रखा हुआ है। तो अब बात करते हैं आसन नापना कैसे। तो इसके लिए भी आपको 5 इंच छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आसन का निशान है 13.5 इंच का, तो ये 13.5 का निशान। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है, मैंने कमेंट्स भी देखे कि सर किस साइज़ में कितना आसन लेते हैं, वो चीज़ आप हमें बताइए, कब मार्जिन लेते हैं कब नहीं लेते हैं, आसन का एक्यूरेट फार्मूला क्या है। तो आगे वीडियोज़ आएंगी उसके ऊपर में, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपको 0.5 इंच का मार्जिन लेना है, 13.5 नाप लिए तो 0.5 इंच का मार्जिन लिए, ठीक है, ये 14 इंच पे आ गया। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है मेज़रमेंट के ऊपर में, साइज़ के ऊपर में, किस तरीके से हम आसन लेते हैं बताऊंगा। लेकिन पहले बेसिक जो जानकारियां हैं वो सब मैं दे दूं, कम से कम एक एक पैटर्न से यहाँ पर सभी बता दूं, उसके बाद हम टिप्स और ट्रिक्स पे आएंगे, तब मैं सभी चीज़ों को क्लियर करूँगा। अब यहाँ पर देखना, जब आसन आपने लिया और यहाँ पर लिए पैर की गोलाई, दोनों दिख रहा है, स्केल लेंगे एक लंबा सा, ये वाला बड़ा स्केल, और दोनों निशानों को मिला देना है, ठीक है, ये इस तरह से। ये बेहद ही सरल सिंपल सलवार है फ्रेंड्स। और जब आप कटिंग की शुरुआत करते हैं या सिलाई की भी शुरुआत करते हैं, तो इस तरह के सिलाई की शुरुआत करें, ताकि आपको सिलाई सिंपल लगे। और अब सीधा सीधा इसकी कटिंग कर देनी, कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे, ये इस तरह से।
तो ये हो गया कटिंग, इसको आपको फोल्ड करके रख देना है। अब देखिए यहाँ पर कपड़ा कितना बचा है हमारे पास, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। डबल कपड़ा है। यहाँ पर कमर बेल्ट की बात करते हैं। कमर बेल्ट के लिए मैंने सीधा सीधा आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, हिप में 8 इंच या 10 इंच आप प्लस कर दोगे कमर बेल्ट का आपका साइज़ निकल जाएगा। हिप कितना है 35, 8 इंच अगर जोड़ें तो ये होगा 43, 43 का हाफ करेंगे तो ये होगा 22.5 इंच, 22.5 इंच, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखना कि कपड़ा यहाँ पर कम ज़्यादा है, तिरछा है, तो आपको बेल्ट की ऊंचाई कितनी चाहिए, ये चाहिए 8 इंच की। तो जहाँ पर 8 इंच आ रहा है ये ध्यान देना, वहाँ पर आप इस तरह से निशान लगा लेना, ठीक है, ये 8 इंच वाला। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लेंगे कितना 22.5 इंच। देखो अगर आप हिप में 10 इंच जोड़ते हैं तब आपको 22.5 में काटना है, और अगर आप 8 इंच जोड़ते हैं तो 43 का हाफ करोगे तो 21.5 आएगा। मेरी आदत पड़ी हुई है 10 इंच जोड़ने की, इसलिए मैं 22.5 पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बार फिर से ध्यान देना, ये हमने क्या किया 22.5 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ पर देखना, उधर तो ठीक है हमने 8 इंच बराबर नापा था, और ये एक साइड आपका जॉइंट है इसके लिए करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी 8 इंच का निशान और एक यहाँ भी लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये नहीं आ रहा है कंप्लीट, तो हमें यहाँ पर छोटा सा जॉइंट डालना पड़ेगा, तो ये कमर बेल्ट में आपका जॉइंट आएगा। तो चलिए इधर से इसको कर लेते हैं पूरा कट, और काटने के बाद फिर इसमें छोटा सा जॉइंट डालेंगे। ये जो फुचड़ा वाला हिस्सा है इसको काट के निकाल देते हैं, इसको हमने अपने नाप में नहीं रखा था, ये इस तरह से काट देना है। अभी देखिए ये इतना छोटा पड़ा है, तो ये इस तरह से जॉइंट दे देंगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो निशान वगैरह लगा सकते हो, वैसे बिगिनर हैं तो निशान तो लगाना पड़ेगा, और आपकी आदत पड़ गई है कटिंग करने की तो कोई निशान विशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा सीधा हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। यस, अब ये जॉइंट के लिए हम यहाँ रख दिए, ये कमर बेल्ट भी हो गया। अब चलिए देखते हैं मियानी। अब ये मियानी क्या चीज़ है जो हम आसन पे फिट करते हैं, तो ये देखिए इतने कपड़े में मियानी निकल जाएगा। ये इस तरह से सेंटर से क्रीज लगाना, कपड़ा आपको डबल रखना है क्योंकि दो मियानी निकालनी है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना, ये इस तरह से कपड़े डबल हैं, हम इसको इस तरह से सेंटर से मोड़ दिए, मोड़ करके क्रीज लगाए, फिर हम क्या कर रहे हैं ये निशान लगा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये निशान किस तरह से लगते हैं, मैंने पटियाला में भी बताया था कि 2.5 इंच चौड़ा ये आपको मियानी का साइज़ लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2.5 इंच लोगे, साइज़ के हिसाब से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, 2.25 भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। और मियानी की जो हाइट है वो आपको 7 इंच करीब रखनी है, ऐसे मैंने अभी 6.5 रखा, आप चाहे 7 भी रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस साइज़ का रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए तो ये हो गया मियानी, इसको भी रखते हैं। अंत में बात आती है पैचा, तो पैचा कटिंग करने के लिए आप 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा यहाँ से निकाल लोगे, साइज़ आपकी होनी चाहिए 13 इंच से ऊपर, जो आपके पैर की गोलाई है उससे ऊपर या उसके बराबर, कम होगा तो उसमें भी जॉइंट लगाना पड़ सकता है, तो ये इस तरह से यहाँ पे पर्याप्त है, तो इसको 2.5 इंच चौड़ा काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या चीज़ों का आपको कटिंग बताया। सिंपल सलवार जैसे मैंने बताया कि बिछाने का जो तरीका है बिल्कुल सरल है, ये जो सलवार हमने कटिंग किया 1.25 मीटर में कट गया। इस तरह के सलवार आजकल बहुत कम बनते हैं, लेकिन फिर भी आप बिगिनर हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 अलग अलग चीज़ें हमने कटिंग की हैं, कमर बेल्ट है, मियानी है, पैचे का कपड़ा है, और ये है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में कटिंग किया मेन फैब्रिक का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जो डिटेल नॉलेज है सभी तरह की जानकारियाँ आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं दूंगा। तो ये सिंपल सलवार की कटिंग आप लोग कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताना, और किस किस तरह के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ
आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।